वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनोखा पोस्ट। बिहार में विकास की गाड़ी तो जैसे धड़ाधड़ दौड़ रही है। आपको बता दें कि इस समय पटना में कई पार्क हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को अब आईटी इंडस्ट्री में काम करने और निवेश के लिए किसी मेट्रो शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पटना में ही अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। पटना में दूसरे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना होने जा रही है। सॉफ्टवेयर पार्क प्लग एंड प्ले इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में विकसित होगा। लागत 25.5 करोड़ आएगी। सीएम नीतीश कुमार फरवरी के पहले सप्ताह में इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। शिलान्यास के लिए तिथि तय करने के लिए बीते रोज ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के अफसरों ने राज्य शासन के शीर्ष अफसरों से मुलाकात भी की है। बिहार सरकार ने पहले से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी में सॉफ्टवेयर पार्क के ठीक पीछे 1 लाख वर्ग मीटर जमीन आवंटित कर ली है। इस सॉफ्टवेयर पार्क में आईटी के अलावा बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग, आउटसोर्स आदि कार्य होंगे। इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद हाईटेक होता है। सिर्फ लैपटॉप ले जाकर सीधे काम शुरू किया जाता है। इसमें सारी सुविधाएं पहले से ही मौजूद होती हैं। इंक्यूबेशन सेंटर में 9 निवेशकों को हर तरह की सुविधा और मौका देकर बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जाता है। ऐसा सरकारी मदद से भी किया जाता है। दरभंगा और भागलपुर में भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर पार्क खुलेंगे। दोनों के लिए 10,000 वर्ग फुट जमीन आवंटित भी की जा चुकी है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें।